नमस्कार किसान भाइयों दृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस बार सरसों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ है फिर भी इस बार सरसों के भाव पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है लेकिन अब सवाल यह आता है कि सरसों के भाव कब तक बढ़ते रहेंगे क्या अब आगे भी भावों में तेजी रहेगी और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस बार सरसों के पैदावार ज्यादा होने के बावजूद भाव में इतनी तेजी आने के क्या कारण है तो आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। और हाँ आपने सरसों बेच दी है या नहीं यदि नहीं बेची है तो आपके पास अभी कितने क्विंटल सरसों है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसी अनुसार सरसों के बाजार मांग और भावों का सही से विश्लेषण कर सकें इस वीडियो को अपने जानकार किसान भाइयों को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेज दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके और उनको भी सरसों के भावों से फायदा मिल सके यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा लें तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी किसान भाइयों केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस बार दस पॉइंट मिलियन टन सरसों के उत्पादन का अनुमान है जबकि पिछले साल नौ पॉइंट बारह मिलियन टन सरसों का उत्पादन हुआ था इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार सरसों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही है लेकिन इसके बावजूद सरसों के भाव बढ़ रहे हैं आखिर क्यों तो आपको बता दें कि इतना उत्पादन होने के बावजूद भी घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की मांग पूरी नहीं हो पाती है और खाद्य तेलों की इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से खाद्य तेलों को निर्यात करना पड़ता है और इस बार बाजार तेल तेलों के निर्यात पर सालाना सत्तर हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्चा हो रहा है जिसके कारण जहां तक संभव हो सके खाद्य तेलों को निर्यात करने के बजाय देश में मौजूदा सरसों को खरीदकर सरसों के तेज से इस मांग को पूरा करने की कोशिश की जा रही है इसलिए सरसों की मांग बढ़ी है और दूसरी तरफ किसानों को भी इस बात का पता चल चुका है कि जिसके कारण किसान भी सरसों को कम भाव पर बेचने से मना कर रहे हैं और व्यापारियों द्वारा कम से कम जिस भाव पर हो सके खरीद करने की कोशिश की जा रही है अब आपको यह भी बता दें कि मई मही महीने में भी सरसों के अच्छे भाव रहने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि मई मैं महीने में सरसों के तेल की मांग घरेलू बाजार में तेज रहने की उम्मीद है तो इस प्रकार किसानों को इस बार सरसों के अच्छे भाव मिलते रहने की संभावना बन रही है तो किसान भाइयों अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाए ताकि उनको भी यह जानकारी पता चल सके मिलती है अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक देखते रहें कृषि चौपाल जय हिंद जय किसान